कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने न सिर्फ आम जनजीवन को बाधित किया बल्कि शासकीय प्रक्रियाओं में भी बड़ी बाधा उत्पन्न कर दी थी। आम नागरिकों की समस्याओं के सुलभ निराकरण के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सामूहिक जनसुनवाई प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी, जो कि 10 मार्च 2021 के बाद से बंद पड़ी थी। मंगलवार 21 सितंबर से नए सिरे से सामूहिक जनसुनवाई फिर से प्रारंभ की गई है, जिसके तहत सुहागपुर में मंगलवार को जनपद पंचायत सभागार में सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक सामूहिक जनसुनवाई हुई। प्रक्रिया में राजस्व विभाग अधिकारियों सहित समस्त विभागों के प्रमुख उपस्थित थे, ताकि जनता अपनी शिकायत लेकर संबंधित विभाग के काउंटर पर व्यक्तिगत रूप से जाकर समस्या लिखित रूप में दे सके। मंगलवार को हुई सामूहिक जनसुनवाई से संबंधित डाटा देते हुए ई गवर्नेंस असिस्टेंट मैनेजर अनुराग तिवारी ने बताया कि कुल 5 आवेदन नागरिकों के द्वारा दिए गए। ये आवेदन नगर परिषद तथा शिक्षा विभाग से संबंधित थे, वहीं एक आवेदन गरीबी रेखा के में नाम जुड़वाने के लिए भी आया है। 5 आवेदनों में से 4 का निराकरण तत्काल किया गया तथा एक आवेदन संबंधित विभाग को निराकरण के लिए भेजा गया है। जनसुनवाई का नेतृत्व SDM भारतीय मेरावी तहसीलदार पुष्पेंद्र निगम, जनपद पंचायत CEO श्री राम सोनी व नगर परिषद CMO नरेंद्र रघुवंशी के द्वारा किया गया। जनसुनवाई की खास बात ये रही कि एक गरीब वर्ग की महिला निजी स्कूल में पढ़ने वाले अपने बच्चों की समस्या लेकर पहुंची। महिला ने बताया कि कोरोना के कारण मजदूरी भी नहीं कर पाई और अब स्कूल की फीस नहीं दे पा रही है। बच्चे का नाम शासकीय स्कूल में लिखवाना है, लेकिन संबंधित निजी स्कूल द्वारा 6,000 रूपए फीस मांगी जा रही है और फीस जमा किए बिना TC नहीं मिलेगी, जिसके बाद तहसीलदार पुष्पेंद्र निगम ने संबंधित स्कूल संचालक को फोन लगाकर फीस माफ करवाई। मामले में अब महिला को 6,000 रूपए फीस के स्थान पर 2,000 रूपए की फीस ही देनी होगी, ताकि उसके बेटे को फीस मिल सके। जनसुनवाई जो है वो 10 मार्च को स्थगित हो गई थी 2021 में, उसके पश्चात अभी शासन द्वारा जो निर्देश आए उसके तहत जनसुनवाई आज फिर से प्रारंभ हुई है। क्योंकि पहला दिन था जनसुनवाई की, आज 4 या 5 आवेदन पत्र आए, वो 5 आवेदन पत्र आए, लगभग 4 तो निराकरण की स्थिति में है। 2 गरीबी रेखा के हैं आवेदन पत्र हैं और 2 नगर पालिका के कुछ गंदगी के संबंध में जिनके निराकरण के लिए टीम भेज दिया गया और यथाशीघ्र उनको शाम तक फाइनल हो। जो गरीबी रेखा वाले हैं उनको जल्दी से जल्दी अगले जनसुनवाई से पहले उनका सर्वे कराकर पात्रता कंफर्म करें। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए सुहागपुर से अमित बिल्लोरे की रिपोर्ट।